जस्टिस फॉर वोकेशनल टीचर, बता दें कि सरकार ने जो है इन्हें नियुक्त किया है कि आप जो है वो स्किल डेवलपमेंट करवाएं, लेकिन साथ ही साथ आज ये स्किल डेवलपमेंट करवाने वाले जो है यहाँ पर प्रेस क्लब में है और एक ही ऐसा प्रोटेस्ट जो है वो कश्मीर में भी जो है कंटिन्यू हो रहा है और आज जो है वो 8 दिन है। यानी यहाँ पर आप देखें कि इन्हें जो जिन्हें हम शिक्षक कहते हैं उन्हें जो है अभी स्कूल में होना चाहिए, लेकिन आज वो अपने हक के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और ये जगह मैं आपको याद करवा दूँ जहाँ पर 10+2 के कंट्रेक्चुअल लेक्चरार भी जो है कम से कम 3 साल तक जो है यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद है जो उनके मसले भी हल नहीं हुए तो बाद में उन्होंने जो अपने टेंट थे उनको आग लगा दी और वो यहाँ से उठकर चले गए। लेकिन सरकार जिस तरह से बड़े बड़े वादे करती है, अभी जम्मू कश्मीर में अगर आपको दिखाया जाए कौन जो है वो यहाँ पर सड़क पर नहीं है, और खुशबू भगत जो है वो यहाँ पर पहुंची है अपनी पार्टी से। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं आपको ऊपर बताऊँ, ऊपर बहुत धूप है और नीचे जो ये बैठे हुए हैं और सिर्फ एक छाते का मात्र सहारे की बात करें वो लेकर जो ये लोग जो है वो बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि गर्मी जो है वो कितनी पड़ रही है, लेकिन गर्मी को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने हक की मांग के लिए जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। 3 ही जो इनकी डिमांड्स हैं कि इनकी जो जॉब पॉलिसी है वो इनका हक है, इनका सैलरी इंक्रीमेंट जो है वो किया जाए और साथ ही साथ जितना काम लिया जाता है उसके मुताबिक जो है इनको जो है वो सैलरी मिले। तो सबसे पहले जो है हम इन मैम के पास चलते हैं। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम जानवी सूदन है। मैम मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि हम सारे वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जो आज जम्मू की सड़कों पर और कश्मीर की सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ हमारी यही डिमांड है कि जो एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन कर रखा है, प्राइवेट कंपनीज को ला रखा है, उनको जल्द से जल्द रिमूव किया जाए। क्यों? क्योंकि इस वोकेशनल एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन में जो ये प्राइवेट कंपनीज है उनका कोई रोल नहीं है, उनका जीरो रोल है। और हम चाहते हैं कि उनको बाहर निकाल के जो उनको इतना ह्यूज मैनेजमेंट कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उसको डायरेक्टली हम बीटीज जो कि इम्प्लीमेंटर्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उनको प्रोवाइड किया जाए। और दूसरा हम बोलना चाहेंगे कि जॉब पॉलिसी फ्रेम हो फटा जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितने भी 1100 की 1100 वीटीज हैं उनके लिए प्रॉपर अलाउंस नहीं है, कोई मेडिकल लीव की फैसिलिटी नहीं है, कोई भी मतलब मैटर्निटी लीव नहीं है। और हम लोगों के साथ पिछले 7 साल से इनजस्टिस पे इनजस्टिस होता आ रहा है और इनजस्टिस की हद यहां तक पहुंच गई है कि पिछले 8 दिन से हम यहां बैठे और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमसे बात नहीं करना चाहती। और दूसरा हमें इन प्राइवेट कंपनीज जो कि ठेकेदार है उनसे वार्निंग मेल्स आ रही है, टर्मिनेशन मेल्स आ रही है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आपने इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने तो। हाँ जी, लेकिन जिस तरह से आपको डराया जा रहा है, आपने कहा कि यहां पर मेल्स आ रही है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्या आपके हौसले जो है वो उसी तरह से प्रस्त है या हौसलों में कुछ कमी आई? बिल्कुल भी नहीं मैम, यहां पर राइट टू स्पीच है और हमारे साथ इनजस्टिस होता आ रहा है और हम जो अपनी बात है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा चुके भी है और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। ये जो लेटर इनके हाथ में इसके बारे में बताएं। मैम ये एक ITRC कंपनी है जिसका ये टर्मिनेशन मेल है जो हमारे अराउंड 150 VTs को वोकेशनल ट्रेनर्स को आ चुका है अभी तक, और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको टर्मिनेट करते हैं बिकॉज ये लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट को। प्लस इसमें एक और लाइन मेंशन है कि जब तक आपकी जगह पे कोई और ट्रेनर डिप्यूट नहीं होता तब तक आप वहीं पर रहेंगे। ये कैसा टर्मिनेशन है भाई? टर्मिनेट करना तो सरेआम करिए ना और बताइए किस बेसिस पे आप हमें टर्मिनेट कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट्स देखिए ना, आपने बताया हमारे रिजल्ट्स जो है, हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं, 100% रिजल्ट्स जो है वो हमारे स्पीक करते हैं। हमारे बच्चों से फीडबैक लीजिए, हमारे प्रिंसिपल HOIs जो है उनसे फीडबैक, वो आपको तब पता चलेगा कि हमने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, सक्सेसफुल बनाने में अपना कितना गोल्डन टाइम दिया है। और वो 7 साल गोल्डन टाइम देने के बावजूद ये हमें पकड़ा रहे टर्मिनेशन लेटर। तो इट्स अ शेम ऑन द गवर्नमेंट, इट्स अ शेम ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन कि जिन कंपनीज को वो यहाँ पर लेके आए और वही कंपनीज यहाँ के यूथ के लिए, JKUT के यूथ के, वो टर्मिनेशन लेटर्स हमारे, ये तो बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। मैम जिस तरह से आपका आज 8वां दिन है, मैं जानना चाहूंगी कौन कौन आपसे मिलने आया, क्योंकि अगर कश्मीर की बात करें वहां पर भी इसी तरह। मैम देखिए, हमने जम्मू में ये प्रोटेस्ट जो है पिछले 2 दिन से जारी रखा है और आज पहली बार हमारे साथ अपनी पार्टी के खुशबू मैम यहां पर हमारे साथ ज्वाइन हुए और हमें बहुत होप्स है कि शायद ये हमारी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा पाएंगे। चलिए खुशबू भगत जी से बात करते हैं। मैम जिस तरह से आप इनके पास आज पहुंची हैं, आपने इनकी डिमांड्स जो हैं वो सुनी है, क्या आप इनकी बात को कहां तक आगे पहुंचाएंगी?
देखिए अभी फिलहाल तो हमारे पास एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैं एलजी साहब तक ही बात पहुंचाऊंगी क्योंकि वही है जो एकमात्र सहारा है जम्मू कश्मीर के लिए। आप समझते हैं कि यूटी में जो लंबे समय से हम जी रहे हैं वो इसी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जी रहे हैं, हमारे तो लोकतांत्रिक अधिकार भी चले गए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे युवा साथियों जो मेरे साथ अभी आप पीछे देख रहे हैं, जो इतने पढ़े लिखे और हमें इन पे गर्व होना चाहिए, जो केवल इनमें से जो मैक्सिमम यूथ है वो केवल इसलिए बाहर से बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के जो बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरियां करते थे वो केवल इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि वो हमारे बच्चों को एक अच्छे से जो है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में एक अच्छी पढ़ाई लिखाई लोगों को दिलवा सके और वहाँ से हमारा यूथ जो है वो स्किल होकर आगे बढ़े। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर इन इन इतने पढ़े लिखे युवाओं को जिनके पास दो दो तीन तीन चार चार डिग्रीज हैं, पीएचडी की हुई है, स्कॉलर्स हैं, तो अगर ऐसे लोग सड़कों पर हैं तो फिर अनपढ़ों के साथ क्या होगा। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक चुप क्यों है, आखिर जो हमारे अफसर शाही है वो अभी तक चुप क्यों है, इनसे मिलने क्यों नहीं आए, इनकी बातों को सुना क्यों नहीं जा रहा। आपके पीछे एक बच्ची है, मैं पहले वो भी दिखा दूं कि एक छोटी सी बच्ची है जो यहाँ पर अपनी मदर के साथ यहाँ पर बैठी है। आप इसे क्यों लेकर आए हैं साथ? हम अपनी इन्हीं बच्चों की फ्यूचर के लिए हमें यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। बार बार हमारी गवर्नमेंट से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि हमारी जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे। जैसे कि बताया गया कि हमारी फिक्स सैलरी, हमें 2016 से हम अपॉइंटेड है तब से हमें वही सैलरी दी जा रही है, लेकिन महंगाई जो है वो कैसे हर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे बच्चों के ना तो हम इनके खर्चे पूरे कर सकते हैं ना ही हम इनकी आने वाली टाइम में ज़रूरतें पूरे कर। हम इन बच्चों के हक के लिए और ये बच्चे अपने हक के लिए आज गवर्नमेंट से अपील करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको देखा जाए और उनको अमल में लाया जाए। तो बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर इनकी मैटरनिटी लीव का भी जो है एक बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन इतनी धूप में बैठे हैं और छोटा बच्चा भी जो है वो इनके साथ है, तो सरकार को सुनना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को इन्हीं लोगों ने चुना है तो इन लोगों को भी जो है, इन लोगों की बातें भी जो है वो सरकार को सुननी चाहिए और इनकी बातें भी जो है सरकार तक पहुँचनी चाहिए। और जिस तरह से एलजी प्रशासन है उन्हें भी जो है हर देखना चाहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉलोनियाँ जो है वो इतनी भरी हुई क्यों है और क्यों इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं, तो उनका कोई क्रक्स जो है वो निकालना चाहिए और यहाँ पर जिस तरह से इन टीचर्स की बात है, वोकेशनल टीचर्स की, वो जो है आगे तक पहुंचनी चाहिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफिज़।